सत श्री अकाल बाई जी सारयां नूं। अज तरीक हो गई है 18 ते दिन ऐतवार ते आपां इस टाइम खड़े हाँ जोसी मठ दे गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ते हुण आपां गांह नूं चलना है। 27-28 किलोमीटर रह गया वाह टू ते बारिश हो जांदी सी इस करके थोड़ा लेट निकलन लग्या। मुंडे पिछे समान समून पैक करी जांदे ने, वाटर प्रूफां दे फावे चढ़ाई जांदे ने ते बस आपां 5-7 मिनट चो चल पैना। एक ओ पिछे लगा हुआ चोबर, एक कह लगा है ते एक चोबर वीडियो ते लगा हुआ। मिलते हैं भाई जी तुहानू अगे। सवेरे सवेरे स्वच्छता अभियान किन्ना ख्याल रखते हैं देखो ये शहरों का। साडे वाला ने देखो पेड़ बचाओ इत्थे वो चल रहे ना कि गो बैक चमोली चमोली नूं अपना जोशी मठ नूं बहुत खतरा है, इत्थे भूकंप बहुत आते हैं, सुरंगा बहुत बना रहे हैं तो ये रोज़ इत्थे रैलियां कढ़दे ने। बाबे पिछे परसों समान जहा चक्की फिरते सीगे मैगी शैगी बनाने लई ते प्याज भी गल गए टमाटर भी गल गए। किधर छटन चले इन्हू गारबेज करना है नाल ही लेके जाना ना, सफाई का ध्यान रखना वा थोड़ा जा। ओके नाले नाल हुण हुणे नगर कीर्तन निकलिया बाहर एक साफ सफाई वाला सीगा सवेरे सवेरे जोशी मठ तो आपां निकल चुके हैं जी ते ओ सामने बर्फा लद्दे पहाड़ नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप लैंड करी जाने क्योंकि जो जोशी मठ शहर है वो थोड़ा जा उच्चा है तो फिलहाल आप मार्केट चो निकल रहे हैं तो लैंड कर रहे हैं। तो अज का टारगेट ये आ कि गोविंद घाट पहुँच के समान समून जमा करा के उस तो बाद गोविंद धाम पहुँचना है। तो गोविंद घाट इतों है 18 किलोमीटर अलकनंदा के उपर द पुल बने हुआ थलो अलकनंदा लंघती हुई तो बहुत घेंट व्यू है। मिना मिना मीह पै रहा तो श्रद्धालु आ भी रहे हैं तो जा भी रहे हैं तो चारों धाम यात्रा चल रही है इस टाइम, इस करके सवेरे सवेरे रश हो जाता है क्यों कुछ निकलते हैं सवेरे सवेरे वापसी ली तो कुछ अगे भी जाते हैं। बद्रीनाथ इतों है 35 तो गोविंद घाट है 10 किलोमीटर सामने बोर्ड खड़ा दसता है तो मिलते हैं आप अगे जाके। बापू जी आपको मिले ही कल तो सफर करते पैने अपने नाल ही पैदल यात्रा देने लुधियाने तो चले हो ना बापू जी लुधियाने तो चले ने पैदल यात्रा कर रहे हैं हेमकुंड साहब की तो हजूर साहब की भी की तुसी है ना पिछले साल अच्छा दो बार जाए हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है हाँ जी हाँ जी दो बार जाए ने श्री हजूर साहब तो हम तीजी बारी श्री हेमकुंड साहब जा रहे बहुत वधिया बापू जी सलूट है तुहानू श्रीनगर भी जाके ले लद्दाख पत्थर साहब अच्छा उथे भी गए हो पैदल ही गए अच्छा जी उरे जोर जिला आ जोर जिला उधरों गए अपना श्रीनगर वालों श्रीनगर आए फिर इधरों मनाली वालों जैकेट देने
ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਂਗਰੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਜੈਕਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਫਿਰ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ चलो ठीक है बापू जी बहुत वधिया लगा तुहानू वेख के सानू भी कुछ सीखने मिलेगा जपजी साहब दा ते मूल मंत्र दा जाप करया अच्छा जी बहुत सौखा हाँ जी हाँ जी ज्यादा नहीं अभी पांच बाणियां दा नहीं नहीं कर सकते ये दा जरूर बड़ा लाया जो दिन रात ठीक है बापू जो टाइम मिलदा हाँ जी हाँ जी हाँ आएगा जी जाप ठीक है बापू ठीक इटली तो कुड़ी ने एक ने बयान दिते सी अच्छा पंजाबी कुड़ी सी पर बॉम्बे की रहने वाली हिंदू परिवार बिलोंग करती सहेलियां सहूलिया उन्होंने अच्छा जी तो सहेली ने कहा इटली फसी हुई थी पेपर नहीं सी बनते ओके सहेली ने कहा तू शिवपुराण के वर्त रख अच्छा ढाई साल वर्तों से लगी रही ठीक है इटली के भुखमरी से रोटी खान गई गुरुद्वारे अच्छा जी पाठी सिंह ने कोई प्रचार इधरों गया सद्या बीबा उ हाँ जी हाँ जी स्पैशल सद के उन्होंने जपजी साहब का पाठ दसिया विधि विधान दसिया भी कि करना अच्छा जी तो 14 दिन के पेपर मिल गया ठीक है ठीक गोबिंद घाट इतों रह गया 10 किलोमीटर तो सामने अलकनंदा देखो किन्ने करोड़ के बच्चे चल रहे किन्ने करोड़ के चल रही है उपर बारिशा हो रही होनी इस करके तेजी नाल नहीं आ रहा तेजी नाल पानी आ रहा चलते हैं बाबे ओके गोबिंद घाट रह गया इतों 7 किलोमीटर तो आ चीज़ देख के कृपा करके सफाई का ध्यान रखो जी उत्तराखंड के पंजाबी वेख के बड़ा सुकून मिलया तो आप थोड़ा थले नूं लगे जाने सैकल तो सैड पर हो के इत्थे संगम हुंदा है विष्णु प्रयाग दा मैनूं कहिंदे ने ते मंदर मुंदर बनिया वा चंगे लोग ने इत्थे फन कर रहे ने फोटो शूट चल रही है धौली गंगा ऐ अलकनंदा इत्थे धौली गंगा अते अलकनंदा संगम द्वारे यानी कि इन दोनों का संगम हो रहा इत्थे यह एक होर संगम आ गया तो इत्थे हाई लैवल दी फोटोग्राफिया तो वो सामने अलकनंदा तो आप थले जाके तुहानू दिखांदे अगे का व्यू आ मंदिर निक्के निक्के काफ़ी मंदिर बने हुए ने आ जी आ रही है ना बाबे इधरों इस साइड तो यह आ धौली गंगा आ थले तो आ जी पुल के थलों आ रही है आ वाली हैगी अलकनंदा तो इतने दोनों का संगम हो रहा तो अगे जाके बन जाती है सारी अलकनंदा तो जगह है जिन्हों इन विष्णु प्रयाग के नाम जाना जाता है बाकी घेंट मौला गलबात वधिया मंदिर सोहने बने इत्थे निक्के निक्के पुजारी बैठे हुए ने ते व्यू देख लो एक बार इत्थों गोबिंद घाट रह गया सारा 7 किलोमीटर पहला रडान सी हुण 7 किलोमीटर तक चढ़ाण है पहला ही जागता जुगड़ा पाइया हुई सी जागता भी दवातियाँ मैनू लगता है दोहरा भी दवाएगा कच्छे दे बनैन चाणा पैना दोबारा जेड़े हालात ने चलो कोई ना जिथे इन्ना सफर कट है भी करते हैं मिलते हैं अगे कि बाबे मीह वाला काम गया इत्थे वध ते मैं ते गोरे ने तो लै लिया ने वाटरप्रूफ जागता ते तीजे बंदे दी वाटरप्रूफ जाकट लभदी नहीं पई कलेश हो गया काफ़ी मशक्कत तो बाद एक बंदे का पोंचो खड़ गया सी ते स्पैशल ये है कड़ी प्रो मैक्स
ਕੜੀ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੜੀ ਰੰਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਨੰਬਰ ਟੈਕਸੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੌਂਚੋ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲ ਜੂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਜੂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਜੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਡਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਦੇ ਆਂਗਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਭਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਮ ਤੇ ਆਹ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸੜਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਂਡਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਓ ਸੜਕ ਦੇ ਪਰਲੀ ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਪੱਥਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਾਮ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰ ਰੇਨਕੋਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੇਨਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਾੜ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਆਹ ਫਰੰਟ ਇਹ ਹਮ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਚੇਲੇ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਗਧੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੱਚਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਬਦਰੀਨਾਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਦਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋੜ ਫੁੱਲੋ ਕੀ ਘਾਟੀ 17 ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਰਹਿ ਗਿਆ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਹ ਬਾਈ ਨੇ ਛੋਟਾ ਝਾੜਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਗੇਅਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਗੇਅਰ ਸਾਈਕਲ ਆਹ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਆਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ